आपको स्पिरिचुअल इनसाइट में आज हम आपको आत्मा की संरचना के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। आत्मा की संरचना के बारे में वर्णन करेंगे। देखिए, आत्मा का एक कारण शरीर या कैजुअल बॉडी होती है। ये तीन तीन भागों में होती है, जो कि एक आवरण से ढकी होती है, जिसे कैजुअल बॉडी कहते हैं। यानी आत्मा, बुद्धि, मानस, साइकी, कॉन्शस, शोर, बुद्धि, विजडम, ये इस प्रकार एक कैजुअल बॉडी बनती है। इस प्रकार ये एक कैजुअल बॉडी बनती है। ठीक है, इस प्रकार एक कैजुअल बॉडी बनती है, आत्मा, बुद्धि, विजडम। इसके बाद में कैजुअल बॉडी, कैजुअल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सोल, विजडम एंड साइकी, कवर्ड इन एन एनवेलप और बैग कॉल्ड सोल स्पिरिट और जो आत्मा, सोल ऑफ द बॉडी, सोल ऑफ द बॉडी। सो ये कैजुअल बॉडी। उसके बाद में इसी को कारण शरीर कहते हैं। दैट इज द सटल बॉडी अटैच इन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी। साइकी, साइको सॉरी साइकी इज इमोशनल बॉडी, इज अवर मेंटल स्टेटस, इज अवर मेंटल स्टेटस। देखिए, आत्मा इज विजडम एंड साइकी कारण शरीर। सो इट्स ए कैजुअल बॉडी, ए कॉन्शियस और सोल, ए विजडम एंड साइकिक बॉडी। एज पर योगिक एंड वेदांतिक कंसेप्ट, इट इज कारण शरीर और कैजुअल बॉडी। ओके, कारण शरीर और कैजुअल बॉडी। देन इथेरिक डबल और अवर इनर्जी, इनर्जी फ्रॉम बॉडी कनेक्ट द सोल विथ बॉडी। देन साइकी, इमोशनल बॉडी इज अवर मेंटल और स्टेटस, मेंटल और स्टेटस, दैट इज इनर्जी। देन कैजुअल बॉडी इज कवर्ड बाई ए मेंटल और साइकी लेवल दैट क्रिएट्स डिजायर्स एंड आइडियाज, जैसे कि एस डिजायर्स एंड आइडियाज। कैजुअल बॉडी मेंटल लेयर और द सटल बॉडी कवर्ड विथ इंट्यूटिव लेयर और द नॉलेज स्टोर्ड एज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस। द इंट्यूटिव नॉलेज में भी स्विमिंग स्किल्स आर एल्स आर नेचुरल इंस्टिंक्ट और द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इस रियलाइजेशन, एंड इस रियलाइजेशन। देन सी हियर इन फिगर, इंस्टीट्यूशन इंस्टिंक्ट और अंतर्ज्ञान। सो साइको इमोशनल बॉडी एंड दिस एथरिक डबल बिहाइंड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एस ऊर्जावान सूक्ष्म शरीर। देन ग्रॉस फिजिकल बॉडी, इन ग्रॉस फिजिकल बॉडी देयर इथरल डबल और साइको इमोशनल बॉडी, इट इज कॉल्ड एस पर्सनैलिटी ऑल्सो। सो देर इज इनर्जी लेवल और इथरिक डबल और साइको इमोशनल बॉडी
that spirit and beyond. How can we say spirit? What is spirit? So spirit here is an envelope for here supra physical, then emotional, then casual, then mental, then instinctive. So in this way, para bhautik, bhavanatmak, karan sukshma, manas or antargyan mulak. These layers we have in spirit. Antargyan mulak, instinctive, manas or mental, karan sukshma, casual, bhavanatmak, emotional, para bhautik, supra nature, spirit and body. So here we may say in short and some important notes. Monad is an undivided spark of the flame, that is the god of the system, and monad reflects itself in the form of the human self to gain experience in earth. The human self is called soul, higher self or super mind. Atma Buddhi Manas. Atma is the universal aspect of mind, and Buddhi is the institutional consciousness and is transpersonal. Manas is the abstract mind principle. So in this way, it's a short description about this soul, about the soul, or you may say is a spiritual insight regarding the constitution of the human being. Kindly subscribe my channel. Thank you for watching video. Have a nice day.